हाय, मैं हूँ मोनिशा सिंह कटियाल और आज हम बात यार क्या देख लिया मैंने यार। क्या हुआ, तुम फिर लेट आए हो? हाँ तो और क्या, सो ही नहीं पाया रात भर मैं। क्यों? अरे यार एक शो देख लिया मैंने कल रात को। सॉरी, हमारा शो भी तो चल रहा है, अपने शो का इंट्रो दे दें। गाइस ये मोनिशा सिंह कटियाल और मैं हूँ दीपक कालरा। मैं हूँ एक रिव्यूअर और ये है एक व्यूअर। तो रिव्यूअर और व्यूअर की कभी बनती नहीं है, कभी भी नहीं, लेकिन आज बनेगी। हम आपको दिखाएंगे कैसे। तो शो का नाम आप गेस करो, बताओ। थ्री वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड चौकीदार। oh, no. पहरेदार। सेकंड वर्ड पहरेदार पिया की। वेरी गुड, रियली गुड। देखा हमने, जो आता है सोनी पे मंडे टू फ्राइडे रात 8:30 बजे। हम लोग शो का प्रमोशन नहीं कर रहे वैसे। बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ये शो प्रमोशन के लायक है ही नहीं। तो भाई शो के सियापे यानी कि कहानी को जिस कदर है, एक 9 साल का लड़का राजे रजवाड़े परिवार में पैदा हुआ है और उसकी माँ उसके लिए एक पहरेदार ढूंढ रही है। तब एंट्री होती है एक 19 साल की लड़की की, जो लहराते बलखाते ओवर एंथुसियास्टिक होते हुए आती है। इसका नाम है दिया। कोई मिल गया, कोई मिल गया, यानी तेजस्वी प्रकाश। आई वंडर व्हाई शी डिड दिस रोल। और वो 9 साल का बच्चा इज ट्राइंग टू प्ले अ 20 ईयर ओल्ड बॉय। व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस शो? भाई अपनी दादी माँ की कहानियां सुन के वो खुद को सही का राजकुमार समझने लग गया और पहुंच गया एक अबला नारी को बचाने। और उस अबला नारी के सामने आया एक 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 ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, उसके सामने आया एक कॉकरोच। और बचाने के बाद हाथ मांगने लग गया पल्लू पकड़ के कि शादी कर लो मुझसे। इज दिस 9-year-old बॉय सो वेल अवेयर ऑफ हिज रिलेशनशिप, सो वेल अवेयर दैट ही हैज टू प्रपोज टू अ गर्ल, फॉल इन लव? वेयर इज इंडियन टेलीविजन गोइंग? ये वही लड़का है जिसका फेसबुक पे स्टेटस होता है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? थोड़ा। अनफॉर्चुनेटली ये शो कंपेयर किया जा रहा है बालिका वधु के साथ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चाइल्ड मैरिज को हैंडल किया गया था और बहुत ही सेंसिटिवली और ब्यूटीफुली हैंडल किया गया था। दिस शो इज नोवे कंपेरेबल टू बालिका वधु। भाई शो की बेवकूफियां देख लो यार। वो लड़की जो है उस बच्चे को करंट लगने से बचाती है और खुद ही फिर करंट लगवा लेती है, मतलब वाओ। हाइड्स अ फेक ड्रामा, बैड स्क्रिप्टिंग एंड लीव्स द व्यूअर डिसअपॉइंटेड। असली मजा तो 5वें एपिसोड में आता है जब दोनों की शादी भी हो जाती है। और क्यों होती है शादी, इसका भी रीजन है, क्योंकि भाई राजा के बेटे को खतरा है। भाई तू तो शादी करके कौन सा बच रहा है? वाह ये तो रैप हो गया। खतरा है तो शादी करके कैसे बच रहा है? भाई उसके माँ बाप का हुआ एक कार में बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें माँ तो सीधा बापू जो है वो पड़ा हुआ हॉस्पिटल में और बापू बोलता है कि प्लीज मेरे बेटे से शादी कर लो। पर मुझे एक बात बताओ, बॉम्ब्स कितनी इजीली अवेलेबल कैसे होते हैं? और सेकंडली वो 9 साल के लड़के को एक माँ के प्यार की जरूरत है कि एक बीवी की? तुम्हें पता है उस लड़की ने शादी करी क्यों? वो उस परिवार के एहसान तले दबी थी। एहसान तेरा, कॉपीराइट इशू, गाना नहीं गा सकते। द स्क्रिप्ट इज रिडिकुलस टू अनदर लेवल। आई वंडर व्हाट द राइटर्स वर थिंकिंग और रादर स्मोकिंग अप व्हेन दे वर राइटिंग द शो। माल दो दो माल लो। इस शो के कारण पूरी टीवी इंडस्ट्री में एक सिविल वॉर छिड़ चुकी है। करण वाही से लेके करण पटेल, ऐश्वर्या सकूजा, everybody has come in support of saying why are we doing this show. And मज़े की बात ये है, अदा खान जो नागिन खुद कर चुकी हैं वो तक इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं। तो भाई ये तो बात ही इंडस्ट्री के लोगों की। आइए पूछते हैं भाई और बहनों यानी कि जनता जनार्दन से। जा रहा हूँ मैं पूछने। तो भाई एक शो आया है पहरेदार पिया का, सुना उसके बारे में? I don't want to see it. उसमें क्या होता है, एक 9 साल के बच्चे की शादी कराए थे 19 साल की लड़की से, मतलब खुद करते हैं। हाँ मैंने देखा, वो लास्ट में बम से उड़ जाते हैं। That is totally nonsense shit. और वो पता है उसके ना ऐसे पल्लू पकड़ता है और फिर उसने उसको प्रपोज किया कि शादी कर लेते हैं। What shit is this? Who would watch it? I mean, are you serious? Scripts can be possible in India. TV में कुछ भी हो सकता है। एक सीन है जिसमें ना वो लड़की लड़के को इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाती है और वे खुद ही शॉक लगवा लेती है। दिमाग खराब हो चुका है सबका। People are actually watching this. Why would you do that? You can't be serious. I mean, how can you just watch anything like this? It's totally shit. Your show sucks. It sucks. Yes, it does. So, bhai, ye tha Siyape ka postmortem. Next week, we'll be back with another show to rip it off because your show sucks. Big time.